इस देश के कोने कोने में भरी पटडिड्डी हुई है कहानियां, कुछ पत्थरों में तो कुछ पीछे छूटी हुई निशानियां। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाके ओरछा की कहानी बहुत खास है। सन 1501 से शुरू हुआ जब रुद्र प्रताप बुंदेला ने एक राज्यवंश की नींव रखी। उसके बाद ओरछा में बुंदेला राजवंश सन 1733 तक चलता रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण प्रसाद पटेल और आप देख रहे हैं एलपी गाइड। ओरछा किलो की ही नहीं बल्कि धर्म की नगरी भी है। वैसे यहाँ कई किले हैं और अपने आप में अनोखे हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा सुंदर है राजा का महल, जिसे जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ज्यादातर किले ऊंचे जगहों पर बने हैं, पर ओरछा का किला शहर के आखिरी में है। ओरछा का गौरवशाली आस्था का प्रतीक है जहांगीर महल। 17 सदी में वीर सिंह देव ने इस महल को तब बनवाया जब जहांगीर बादशाह ओरछा आने वाले थे, तो भी वह सिर्फ एक रात को गुजारने के लिए, जिसके लिए इसे नाइट पैलेस भी कहते हैं, लगभग 100 कमरों का। जहांगीर महल भारतीय और मुगल वास्तुकला का शानदार नमूना है। इसके प्रवेश द्वार पर पत्थर से बने हाथी है। इसके बीच में बड़ा चौकोर आंगन है। महल 4 मंजिला है और उन पर सुंदर छज्जियां बनी हुई है। दीवारें बहुत खूबसूरत नक्काशी चित्रकार की गई है और आपके यहाँ बेहतरीन जाली का काम देखने को भी मिलेगा। ये है जहांगीर महल। इसे वीर सिंह देव ने मुगल बादशाह जहांगीर की सम्मान में बनवाया था। कहते हैं कि मुगल बादशाह अकबर अपने बेटे बगावती शहजादे सलीम को काबू में करने के लिए अबू फजल को भेजा था। वही सलीम जिसे जहांगीर नाम से जाना जाता है। यह राजा का महल राजा रुद्र प्रताप ने 16वीं सदी में शुरू करवाया था और राजा मधुकर शाह ने इसी पूरा किया। इसके बाद बुंदेला शासन के अंत तक राजा और रानियां का इसी महल में निवास रहा। यह बाहर से तो सादा दिखता है, लेकिन और भीतर से इसकी आंतरिक वास्तुकला अद्भुत है। इस महल के बीच में भी एक बड़ा आंगन है जिसके बीच एक मंडप बना है। यहाँ की सबसे खास बात है यहाँ बनी ये खूबसूरत चित्र, जिनके रंग आज भी स्पष्ट दिखते हैं। राजा का महल धार्मिक चित्रों से भरा है, खासकर भगवान विष्णु की चित्र यहाँ की दीवारों पर ज्यादा है। और महल की एक खास बात यह है कि सर्दी और गर्मी के मौसम के मुताबिक यहाँ का भीतरी तापमान बदलता रहता है। किले के अंदर स्थिर यह शीश महल अब होटल में परिवर्तित कर दिया है, जिसका आनंद आप भी उठा सकते हैं। ओरछा की किले में और भी कई छोटे स्मारक है जिनकी अपनी अपनी कहानी है। इन सभी इमारत को समाये इस विशाल किले की शान का अनुभव आपको मनमुग्ध कर देगा। ओरछा में सुनने के लिए कई सारी कहानियां हैं और इतिहास कई अनजाने अध्याय भी। ये जगह खूबसूरत इमारतों से भारी पटडिड्डी है। अगर आप भी कभी ओरछा आए तो अपने पिटारे में ले जाने को आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।